सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इजी कुकिंग। आज हम सॉर्टेड वेजिटेबल्स बनाने वाले हैं। ठंड के टाइम पे तो ये सारी सब्जियां इजीली अवेलेबल होती हैं, तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए फिर हम बिना किसी देर के अब फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लहसुन लेंगे। यहाँ पे 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसको एकदम बढ़िया तरीके से बारीक हम चॉप कर लेंगे। जितना आपसे हो सके उतना इसको बारीक चॉप कर लें। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे अदरक लेंगे। तो आधा इंच करीब मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। ये भी मैं कहूँगी जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप चॉप करें। अदरक के होने के बाद अब हम प्याज करेंगे। तो प्याज आप छील लें, उसको बस इस तरीके से 4 टुकड़ों में बांटें और अब उसके बाद ये एक एक जो प्याज की लेयर है वो हम हटा लेंगे। तो इस तरीके का हमें बड़ा बड़ा ही प्याज चाहिए। जो अंदर का बच जाएगा 2-3 लेयर्स, उनको हम किसी और चीज़ में, मसाले या किसी में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं ब्रोकली की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली के कुछ फूल लिए हैं, इसको भी आप बीच से काट लें। जो फूल बड़े हों उसको काटें, जो छोटे हैं उसको आप उतना ही रहने दें। ब्रोकली के बाद हम काट लेंगे गाजर। तो यहाँ पे गाजर को भी, एक गाजर मैंने ली है, इसको भी अच्छी तरीके से छील लेंगे। उसके बाद फिर इसको हमें लंबा लंबा ही कट करना है, जैसे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद थोड़ी सी बीन्स को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 बीन्स ली हैं, इसको इस तरीके का हमें लंबा लंबा काटना है। छोटी छोटी मत काटिएगा, लंबी ही काटिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैं ग्रीन शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैं बड़ा डाइस में काट लूँगी। अगर आपके पास दूसरी रेड और येलो शिमला मिर्च हो तो वो भी इसमें यूज़ करें, उससे ये और ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। और अब बस लास्ट में हम लेंगे थोड़े से मशरूम। 4 से 5 मशरूम लें, उनको इस तरीके का छोटा काट लें। इसके अलावा अगर आपके पास हो तो आप बेबी कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों का हमें स्टर फ्राई करना है। तो उसके लिए कोई भी एक पैन लेंगे हम, उसमें सबसे पहले तो हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें बटर या ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे। तेल के थोड़ा सा गर्म होते ही इसमें जो चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन हमने रखा था उसको डाल देंगे। एक बार इसको चला लेंगे और इसको करीब आधे मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो आधे मिनट पकाने के बाद फिर इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ब्रोकली डालेंगे, साथ ही साथ जो गाजर हमने रखी थी उसको डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को एक बार हम अच्छी तरीके से मिला देंगे और फिर कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें पकाएंगे। जब ये 1 से 1.5 मिनट पक जाएंगी उसके बाद इसमें हम बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। इन दोनों सब्जियों को पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले हमने ये डाली हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी बीन्स, साथ ही साथ जो हमने इसमें कैप्सिकम रखी है उसको डाल देंगे और जो प्याज रखे हैं वो भी डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद एक बार फिर से इसको हम चला लेंगे और फिर करीब 2 मिनट के लिए इसको हम और पकाएंगे। इसको चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो नीचे से सब्जियां जलना शुरू हो जाएंगी। इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाना है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है। तो बस इसको इसी तरीके से चलाएंगे और इन सब्जियों को पका लेंगे। करीब 2 मिनट पकाने के बाद अब लास्ट में इसमें हम मशरूम डालेंगे। मशरूम बहुत ही जल्दी पक जाता है। मशरूम डालते ही इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक आप थोड़ा स्वाद के अनुसार डालिएगा। करीब 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओरिगैनो डाल रही हूँ। आपके पास अगर मिक्स हर्ब्स हो तो वो डालें, अगर कुछ भी ना हो तो दोनों चीज़ें स्किप कर दें। बस इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के लिए करीब 2 मिनट के लिए इसको हम और पकाएंगे, ताकि जो मशरूम है वो भी पक जाए। और वैसे भी अब हमने नमक डाल दिया है तो सारी सब्जियां ही जो हैं वो जल्दी पक जाएंगी। इन सब्जियों के साथ यहाँ पे आप बेबी कॉर्न यूज़ कर सकते हैं, रेड और येलो कलर की बेल पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, टोफू यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मर्जी हो वो चीज़ें इसमें डाल दें। अब थोड़ा सा इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम 1 टीस्पून लेंगे विनेगर। इसी के साथ साथ हम लेंगे 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस। और इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। तो ये 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, इसको मैंने पानी में घोल लिया है। अब ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। ये डालने के बाद अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम सिर्फ 1/2 से 1 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
हम मोस्टली इसको डिनर्स पे लेते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कुछ खाना होता है तो इसको बनाएं। इसके साथ अभी ठंड का मौसम है तो इसके साथ आप सूप ले सकते हैं, नहीं तो इसके साथ आप एक पनीर का पीस ले सकते हैं शैलो फ्राई करके, जो भी आपका मन हो या जैसा आपको अच्छा लगे। तो होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही बढ़िया वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसी ही बढ़िया और अच्छी रेसिपीज़ के साथ।